क्या यार, इतना टाइम हो गया, मेरा तो लार टपक रहा है लड्डू मिलने की खुशी में। लेकिन यार मास्टर पता नहीं कहाँ मर गया, अभी तक आया नहीं। सही बोला यार, आज तो मजा आ जाएगा, लड्डू बटेंगे और हम बांटेंगे। सबसे ज्यादा लड्डू मैं ही खाऊंगा, चाहे बेईमानी ही करके क्यों ना लेना पड़े। क्यों रे, तू यहाँ का कोई मंत्री संतरी है क्या, जो सबसे ज्यादा लड्डू तू ही लेगा? मैं मंत्री तो नहीं, लेकिन मास्टर मेरे घर के पीछे ही रहता है। मेरे और मास्टर के बीच में अड़ोसी पड़ोसी का रिश्ता है बहुत दिनों से। अच्छा, मास्टर तेरा पड़ोसी है तो क्या सारा लड्डू तुझे ही दे देगा? मैं और मोनू तो 15 सालों से इस स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। हम दोनों की सबसे ज्यादा जान पहचान है मास्टर से, हम दोनों को ही मिलेगा सबसे ज्यादा। इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा नंबर मैं लेके आता हूँ टेस्ट में, तो मुझे मिलना चाहिए सबसे ज्यादा लड्डू। ओए चुपचाप बैठा रहे, पांचवी में 5 बार फेल हुआ है और तू लेगा सबसे ज्यादा लड्डू। मास्टर आ गया, मास्टर मोनू चुप हो जा, मास्टर आ गया। हैप्पी रिपब्लिक डे सर। आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई हो। सभी लोग अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाओ और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग आए हो, कोई छुट्टी पर तो नहीं है? सर जी, पहले आप ये बताओ कि आज आप लेट क्यों हो गए, वो भी 26 जनवरी वाले दिन। सही बोला, हम तो इतनी ठंड में नहा धोकर सवेरे 6 बजे आ गए हैं। और क्या, तैयार होकर सवेरे 6 बजे से बैठे हैं लड्डू के चक्कर में, और आज पहली बार सवेरे 5 बजे उठा हूँ मैं। नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, साइकिल चलाया नहीं जाता है, इतनी ठंड में हाथ सिकुड़े जा रहे हैं, बस रास्ते में आग तापते तापते आया हूँ, इसीलिए इतना लेट हो गया। अच्छा, आग तापते हुए आ रहे हो, यहीं पर आ जाते सुबह, यहीं पर हम जला लेते आग। अच्छा ये सब छोड़ो, और बच्चों ये बताओ कि आज के दिन क्या हुआ था, मालूम है किसी को? नहीं सर, मुझे नहीं पता है, मुझे अपनी मम्मी से पूछने जाना पड़ेगा, उनको ये सब पता रहता है। सर जी, जब आपको ही नहीं पता तो हम लोगों को कैसे पता होगा? सर मैं बताऊँ आज के दिन क्या हुआ था। आज के दिन ना सभी स्कूलों में झंडा फहराया जाता है और लड्डू खाया जाता है, और उसके बाद हाथ धोकर घर को चले जाते हैं सब। वाह बेटे वाह, तू तो बहुत तरक्की करेगा। मैं बताऊँ सर, मैं आज के दिन क्या होता है? हाँ बताओ बताओ। आज 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और झंडा फहराया जाता है उन शहीदों की याद में जो देश के लिए शहीद हुए थे। सर गलत बोल रहा है, सर गलत बोल रहा है। ओए तू कितनी भी पढ़ाई कर ले, मेरे से आगे नहीं निकल पाएगा। तुम सब लोग अब बिल्कुल चुप हो जाओ, कोई भी बकवास नहीं करेगा, और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इस बार 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। और आप सभी लोगों को बता दूं कि इस दिन वर्ष 1950 को हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। बच्चों गणतंत्र का मतलब है हमारे देश के सभी लोगों के लिए एक समान व्यवस्था और कानून स्थापित करना। बच्चों हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अपना गणतंत्र अपना संविधान है, भारतीय होना हमारी शान है। जय हिंद जय भारत। अच्छा बच्चों, तो आप लोगों को बोला गया था कि कुछ तैयारी करके आना है, तो कौन कौन लोग तैयारी करके आए हैं? सर जी मैं सबसे ज्यादा तैयारी करके आया हूँ। हाँ तो मोनू तुम बताओ क्या तैयारी करके आए हो? सर जी ये देखिए बैट लेके आया हूँ, लड़ाई मार करने का पूरा तैयारी करके आया हूँ मैं। अगर हमें लड्डू फड्डू ना मिला और कोई मुझसे फालतू बकवास करेगा तो उसकी क्लास तो लगानी पड़ेगी ना। ओए तू ज्यादा बकवास मत कर, तू यहाँ पर दादागिरी करने आया है, चल भाग निकल मेरी क्लास से, भाग यहाँ से, और जितना मुझसे बच सकता है बच। अरे सर 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 ये मजाक कर रहा है यार, मजाक कर रहा है, बैट तो हम ना छुट्टी के बाद खेलने के लिए लेके आए हैं, मजाक कर रहा है सर, मजाक, सीरियस मत लीजिए। जी सर समोखन सही बोल रहा है, मजाक कर रहा हूँ, मजाक मजाक माफ करो, कुत्ते का टट्टी साफ करो। क्या बोला? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बोला हूँ जी। हाँ रे तो तू बता रहे बोलू, तू क्या याद करके आया है? सर जी मैं यहाँ पर कुछ याद वाद करके नहीं आया हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर लड्डू लेने आया हूँ, जल्दी से आप मेरे को लड्डू दे दो, मेरे को अपने छोटे भाई के स्कूल में भी जाना है लड्डू लाने। अच्छा ऐसे ही दे दो तुम सबको लड्डू, जब तक कोई यहाँ पर कुछ सुनाएगा नहीं, कुछ दिखाएगा नहीं, तब तक लड्डू किसी को नहीं मिलेगा। चल रहे समोखन तू आ सबसे पहले, कुछ सुना।
तो नमस्कार सभी छात्र छात्राओं, तो 26 जनवरी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहां पर आते ही सबसे पहले मैं इस तिरंगे को सलूट करूंगा और इसी के उपलक्ष में एक शायरी पेश करूंगा। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, कुछ नशा तिरंगे की शान है, कुछ नशा मातृभूमि की आन है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान है, ये नशा हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ तो अब कौन आ रहा है? यो भूपिंदर थाराबाई भूपिंदर स्टेज पर आ गया है थाराबाई भूपिंदर इधर आ गया है, इधर आग लगा देगा, दाल बना देगा, चावल बना देगा, रोटी बना देगा, सबको खिला देगा। थाराबाई भूपिंदर आग लगा देगा। मैं अभी यहाँ आया हूँ ना, अब यहाँ बाउंडर आएगा, उसके बाद यहाँ भूचाल आएगा, तूफान आएगा, आंधी आएगा, भूस्खलन आएगा, ज्वालामुखी आएगा, सब आएगा। भूपिंदर थाराबाई भूपिंदर। अब ये क्या था रे, डरा रहा था कि कुछ सुना रहा था? चलो छोड़ो। हाँ आप कौन आ रहा है? सर जी बस करो, सवेरे से हम बैठे हैं भूखे प्यासे, अब कुछ बटवा भी दो, लड्डू बटवा दो, बूंदिया बटवा दो, पूरी सब्जी बटवा दो। अरे गणतंत्र दिवस है, मुंह मीठा करवा रहे हैं, यहाँ भंडारा नहीं हो रहा है कि पूरी सब्जी बटवा दें, लंगर नहीं लगा यहाँ पे। सर जी लड्डू कब आएगा जी? चुप करके बैठे रहो सब लोग, गणतंत्र दिवस है तो कुछ ना कुछ तो तुम लोगों को मिलेगा ही। आप लोग जो तैयारी करके आए हो वो सुनाओ, और जो सबसे अच्छा सुनाएगा उसको मिलेगा एक लबड़, एक कटर, एक पेंसिल और एक ज्योमेट्री बॉक्स नटराज का। तो आ जाओ जिसको कुछ सुनाना है। तो मैं आऊंगा और मैं सुनाऊंगा सबसे अच्छा। आ जा जल्दी आ जा। अच्छा लिख के लाया है भंसड़, गुड, लगता है रबड़ कटर तू ही लेके जाएगा अपने घर। एवं मेरे प्यारे गुरुदेव, एवं मेरे प्यारे प्रधानाचार्य, एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहन, एवं मेरे सहपाठियों, मैं एक गाना पेश करने जा रहा हूँ, कोई गलती वलती हो तो क्षमा कर देना। आज किया है, दूर से देखा तो अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे, दूर से देखा तो अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे, पास जाकर देखा तो शास्त्री सर के कच्छे लटक रहे थे। ये कैसा अपमानजनक बातें बोल रहा है तू, भाग भाग यहाँ से, और जितना मुझसे बच सकता है बच। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय लड्डू, जय बूंदी, जय बूंदी, जय भारत। और कौन है रे, कौन आएगा? आता हूँ जाता हूँ खाता हूँ पान, लोग मुझे कहते हैं आमिर खान, जय भारत जय लड्डू। और कौन है रे? आता हूँ जाता हूँ खाता हूँ पेटी, लोग मुझे कहते हैं सुनील सेठी, वंदे मातरम टकला बेसरम, जय लड्डू जय भारत। और कोई बचा है रे? आता हूँ जाता हूँ पीता हूँ शराब, लोग मुझे कहते हैं टाइगर शराब, जय लड्डू जय भारत, जय लड्डू जय भारत, वंदे मातरम टकला बेसरम। बूंदी बूंदी लड्डू लड्डू, बतासे बतासे, ₹2 वाला पार्ले का पैकेट, संतरे वाली गोली। सर जी अब 12 बज गए हैं, भूख लग रही है, लाल लाल लड्डू बनाने वाले हम, मार देंगे घूसा निकल जाएगा दम, बार दो लड्डू खेल करो खत्म, जय भारत जय लड्डू, वंदे मातरम टकला बेसरम। देखो बच्चो लड्डू बटेगा, लेकिन सब लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ, अभी आ जाएगा लड्डू। लड्डू बांटो हाय हाय, लड्डू बांटो हाय हाय, गंजा मास्टर हाय हाय हाय, बटेंगे लड्डू बतासे, लड्डू के चक्कर में बैठे हैं आगासे, लड्डू बांटो हाय हाय, गंजा मास्टर हाय हाय, लड्डू बांटो हाय हाय, गंजा मास्टर हाय हाय, लड्डू बांटो हाय हाय। हेलो लड्डू रेडी हो गए तो भेजो, जल्दी से भेजो, यहाँ पे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। हाँ जल्दी भेजो, हाँ इसी समय भेजो जल्दी से। हाँ तो बच्चों खुश हो जाओ, आ रहा लड्डू, आ गई अपनी मेहनत अपने ही काम, आप कोई मत रोना, खुश हो रहे हैं सभी, देख लो कोना कोना, जा रहा है लड्डू बटने, ले आओ बाल्टी और भगोना। हाँ तो बच्चों लड्डू आ रहा है, लेकिन जब तक कोई कुछ सुनाना चाहता है या फिर दिखाना चाहता है तो दिखा सकता है, सुना सकता है।
सर हमारी बारी नहीं आई है, हम लोगों ने डांस का प्रैक्टिस किया था। आ जाओ तब तो लड्डू भी आ जाएगा। ओ डीजे वाले भैया लगा दो नागिन का लहरा।